बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शंस, ऑर्डर के बारे में देखा, इवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, क्योंकि मैं पहले भी तुम्हें पढ़ा चुका था तो इस वजह से उसको भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को अगर थोड़ा डिटेल में मैं तुम्हें और लेके जाऊँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ही जो रेट डिटरमाइन करना पड़ता है या रेट लॉ पता करना पड़ता है वहाँ पर कहीं ना कहीं पंगा आता है, तो एक बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को फिर से थोड़ा सा देख लिया जाए तो बेटर है। द रिएक्शंस विच ऑकर इन मल्टीपल स्टेप्स। The reactions which occur in multiple steps are called complex reaction. Are called complex reaction. The reactions which occur in multiple steps are called complex reaction. अगर बात करें, जैसे अगर ऐसा होता है A से B बनता है, बी से सी बनता है और सी से फाइनली डी बनता है, तो बेटा ये वाला जो मेरा पार्ट है ये तो क्या है, ये रिएक्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, और ये जो दो पार्ट हैं बी एंड सी, ये जो दो पार्ट हैं ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। जैसा मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा होता है कि आपको इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो है वो देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक स्टेप में नहीं होता, अलग अलग स्टेप में होता है, तो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, बीच में ट्रांजिशन स्टेट्स भी बनते हैं, बट क्योंकि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए हम लोग रिएक्शन में उसको लिखते नहीं हैं, हम लोग खाली इंटरमीडिएट्स को ही रिएक्शन में लिख पाते हैं। तो अगर बात की जाए कि भाई अगर इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो जैसे मैंने बोला कि ऑर्डर डिफाइन होता है, बट हम लोग को वहाँ पे क्या ढूंढना होता है, वहाँ पे हम लोग को अगर स्टेप्स दिए हुए हैं तो टाइमिंग अगर लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, ब्रैकेट में लिखा रहता है रिएक्शन दे देगा और साइड में लिखा रहेगा स्लो, फास्ट, फास्टेस्ट, स्लोएस्ट, इस तरह से लिखा रहेगा, तो वहाँ से आप जो है जज कर सकते हो कि भाई एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, और जैसा मैंने बोला हर एक स्टेप के लिए जब हम मॉलिक्युलरिटी निकालने की बात करते हैं वो हम कर सकते हैं, बट नेट जो मॉलिक्युलरिटी होता है वो डिफाइंड नहीं होता है ना। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन से। जैसे अगर बोल दिया जाए A प्लस 4B गिव्स AB4, और ये जो है मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहला जो स्टेप है A प्लस बी गिव्स AB, सेकेंड स्टेप जो है AB प्लस बी गिव्स AB प्लस 2B, gives AB3, और तीसरा स्टेप है AB3 प्लस बी गिव्स AB4। तो अगर बात करें कि भाई मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर, तो नेट ऑर्डर तो तब तक नहीं आ पाएगा जब तक मुझको क्वेश्चन ने बताया नहीं कि भाई इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है।
जब तक मुझे ये नहीं बताएगा क्वेश्चन कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तब तक मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता। तो ऑर्डर की अगर बात नहीं कर सकते हैं तो मॉलिकुलरिटी की बात कर लेते हैं। मॉलिकुलरिटी अगर देखो तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो तीनों स्टेप हैं, दीज ऑल थ्री आर एलिमेंट्री एलिमेंट्री स्टेप्स। जो भी स्टेप्स होती हैं वो एलिमेंट्री होती हैं। तो वहाँ पे मॉलिकुलरिटी इंडिविजुअली डिफाइन हो सकता है, ओवरऑल मॉलिकुलरिटी डिफाइन नहीं है। मतलब ओवरऑल मॉलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड, ऐसा हम लोग को बोलना है। देख सकते हो ये सबको जोड़ दोगे तो नेट रिएक्शन बन जाएगा, देख रहा है? जैसे a प्लस बी से पहले ए बी बना, ए बी प्लस टू बी से ए बी थ्री बना, ए बी थ्री प्लस बी से ये बना, तो नेट आपको क्या बना? ए प्लस जो b है, ये तो आप नीचे लेके चले थे, बीच बीच में ऐसा ऐसा होता गया और आप ऐड करते चले गए टू बी, फिर यहाँ पे b, तो ए बी फोर बना। तो नेट आपका यही बना कि a प्लस फोर बी से क्या बन गया, आपका ए बी फोर बन गया। बीच बीच में आपके पास इंटरमीडिएट आते गए, है ना? जैसे ए बी क्या है, ए बी आपका ना इधर दिखाई दे रहा ना इधर दिखाई दे रहा, तो ए बी क्या हुआ, ए बी कट रहा है। ए बी इज योर इंटरमीडिएट, है ना? ए बी इज योर इंटरमीडिएट। सिमिलरली और कौन कौन से इसमें इंटरमीडिएट है, ए बी थ्री इज ऑल्सो इंटरमीडिएट। तो देखो एक सिंपल सा चीज ध्यान में रखो, द रिएजेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो वो रिएजेंट जो कि ना ही रिएक्टेंट का पार्ट है और ना ही प्रोडक्ट का पार्ट है, उसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट का नाम देते हैं। तो ए बी जो है, ए बी इज इंटरमीडिएट, ए बी थ्री इज ऑल्सो इंटरमीडिएट। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जिसमें कि बीच में कुछ ऐसा फॉर्म होता है जो कि ना ही आपके रिएक्टेंट का पोर्शन है ना ही वो प्रोडक्ट का पोर्शन है, बस बीच में कभी फॉर्म हो गया और फिर ओवरऑल रिएक्शन में वो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो इंटरमीडिएट ओनली। जैसे कि आपने जब पढ़ा होगा जब चेन रिएक्शन होती है ना, तो चेन पहले मतलब इनिशिएट होता है, फिर प्रोपागेट होता है, फिर टर्मिनेट होता है ना, इनिशिएशन प्रोपागेशन टर्मिनेशन ये सब स्टेप्स होते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह का मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस का पार्ट है। वहाँ भी काइनेटिक्स जो है वो प्ले हो रहा है और ओवरऑल जो मॉलिक्युलरिटी है वो पूरे रिएक्शन पे वहाँ पे भी डिफाइन नहीं होता है, वहाँ पे भी आपको इंडिविजुअली। लेकिन हाँ, मैं भले इंडिविजुअली अगर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी की बात करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, इंडिविजुअली ऑर्डर का तो नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्डर तो पूरे रिएक्शन का एक होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आएगा जिसको सीखेंगे अभी। बट इंडिविजुअली अगर मॉलिक्युलरिटी आप बोलें, है ना, तो इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी की अगर बात करें तो जैसे उधर वाला पोर्शन अगर मैं मिटा दूं, अगर लिख लिया आपने तो इंडिविजुअली अगर मॉलिक्युलरिटी की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है बिल्कुल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन हो जाएगी। मॉलिक्युलरिटी कितनी डिफाइन है, क्योंकि ये एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री में तो डिफाइन होता ही है, वो साइमल्टेनियस कोलिजन होते हैं, वही उसका मतलब होता है। तो ए और बी कितना, एक और एक दो, तो फर्स्ट वाला रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं, सेकेंड वाले में मॉलिक्युलरिटी बताओ बताओ भाई, खुद ही बताओ, तुम लोग खुद ही सोचो। मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड है तो डिफाइंड है, तो एक ये हो गया और दो ये हो गया, तो दो और एक कितना हो गया, तीन, तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया भाई, थ्री हो गया। सिमिलरली तीसरे पे आ जाओ, तो तीसरे पे भी आ जाओ, तीसरे वाले की मॉलिक्युलरिटी देखो, इंडिविजुअल का डिफाइन होता है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं,
तो एक ये हो गया Ab3 और B, तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी हो गया 2। तो बात समझ में आई, इंडिविजुअल ऑर्डर नाम का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी नाम का होता है। ऑर्डर तो पूरे रिएक्शन का ही एक ही हम लोग हमेशा बोलते हैं, और अगर मल्टीपल स्टेप में है तो आपको एक टर्म है जो जिसका ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर धीरे धीरे जाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप सीखो, उसके पहले मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ, एक और क्वेश्चन को बनाऊँ। आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर हाफ, ऐसा लिखा है और ये रिएक्शन दे दिया है, ए प्लस टू बी गिव सी, ऐसा करके। तो तुमको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इसने टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछा है और ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी की इसमें यहाँ पे बात इसने की हुई है बेटा। तो अगर हम बात करें कि भाई ये जो रिएक्शन है, सबसे पहले ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, उसको ध्यान में रखो। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि मल्टीपल स्टेप, और वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर होगा ऑर्डर के, लेकिन एलिमेंट्री में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर वाले चीज़ के बराबर हो जाता है। अब देखो, अगर ये रिएक्शन, इफ दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, इफ गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री, देन वी कैन राइट या वी कैन एक्सप्रेस आर एज आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। बोलो बेटा, अगर ये एलिमेंट्री होता तो अपन ऐसा कर सकते थे ना। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो पावर 1। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो पावर 2। ऐसा लिखते अगर एलिमेंट्री होता तो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला आर इज इक्वल टू के ए की पावर तो 1 बोला, लेकिन बी की पावर 2 नहीं बोला, बी की पावर हाफ बोल दिया। एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन हैज ट्विस्टेड यू। तो जब बी की पावर हाफ बोल दिया, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा। बात समझ में आया, आप इससे जज कर सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन से जज कर सकते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर एलिमेंट्री होता तो इस तरह से लिखाता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 तो है, बट यहाँ पे क्या दे दिया उसने, हाफ दे दिया ना, 2 दे रहता तो एलिमेंट्री बन जाता, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहाँ से ये बात क्लियर है, भले उसने स्टेप्स हमको नहीं दिखाए क्वेश्चन ने, लेकिन रेट लॉ दे दिया तो हम समझ गए वहां से कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी की। तो जैसा मैंने तुमको सिखाया कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, है ना, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी तो डिफाइंड ही नहीं होगी, मॉलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी
मॉलिक्युलरिटी मतलब ओवरऑल, ये बात मैंने तुमको सिखाया हुआ है। तो अगर मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं है, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी इंडिविजुअल वाला होता है, बट जब ऐसा वो दे देना कि मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 3, ऐसा अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसने इंडिविजुअल स्टेप की जो मॉलिक्युलरिटी करके लिखा नहीं हुआ है। तो जब इंडिविजुअल स्टेप्स का उसने मॉलिक्युलरिटी करके नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वो ओवरऑल ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी की बात कर रहा है। और क्योंकि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स निकल गया तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी की बात यहाँ पे नहीं की जा सकती। अगर ये एलिमेंट्री होता तो ये सही हो जाता बेटा, अगर ये एलिमेंट्री होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि 2 और 1 मिला के 3 बना देता। लेकिन ये एलिमेंट्री नहीं है तो मॉलिक्युलरिटी भैया डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर की बात करता है, तो ऑर्डर बोल रहा है कि 3। अब देखो, तुमको पता है कि r बराबर के a की पावर m b की पावर n, ऐसा अगर लिखते हैं तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है m प्लस n, ऐसा होता है। और m प्लस n अगर है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय 2। 1 प्लस 1 बाय 2 मतलब ऑर्डर कितना होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए 3 बाय 2, है ना? ये ऑर्डर होना चाहिए, बट यहाँ दे रहा है 3, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब कि ये सिर्फ एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। ओनली सेकेंड रिएक्शन इज करेक्ट। तो आई होप तुम लोग को ये कंसेप्ट थोड़ा सा, क्वेश्चन क्योंकि मैंने जब लगाया तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक रिएक्शन में एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, इनकी डेफिनेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब हम इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं कि रेट लो एक्सप्रेशन को लाना फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट लो एक्सप्रेशन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्योंकि एलिमेंट्री में तो तुम जानते हो, एलिमेंट्री में तो कुछ अलग से नहीं सिखाने का है, एलिमेंट्री में तो सेम ही हो जाएगा जो स्टोइकोमेट्री रहेगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि बार बार तुम्हारा रिवीजन जो है वो होता रहे। एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ को किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इस ये टॉपिक तुमको करना है आज। तो सबसे पहला ले लेते हैं कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो कुछ अलग से फंडा कुछ है नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सिंपल सा तुमको करना है कि जैसे ए प्लस एन ए प्लस कुछ बोल देते हैं यहाँ पे, एन ए प्लस आई बी गिव्स सी, ठीक है। मान लो कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन उसने बोल दिया, दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पे सीधे आर क्या बोल दो कि आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर एन बी की पावर आई। देखो जनरली एम और एन से मैंने पढ़ाया है, इवन किताब में भी तुम लोग वही देखोगे, बट ऐसा नहीं है, एम और एन तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने एम और एन नहीं बोला, मैंने एन और आई बोल दिया। क्या गुनाह कर दिया क्या ऐसा बोल के? भाई नहीं किया है, कुछ भी वो बोल सकते हैं वहां पे, ठीक है। एन और आई बोल दिया तो ये नहीं सोचना कि सर मतलब एम और एन लिखा हुआ है हर जगह, ऐसा नहीं है। वो बस ऐसे ही लिखने के लिए लिख दिया है, वो तो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता, वो नंबर एक्चुअली में कोई भी। तो मैंने स्पेस कम था तो आई कर दिया उसको। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो तब भी लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम अगर है तो तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो ढीला है ना। कंसेप्ट को थोड़ा तेज करो, वो दे आर जस्ट नंबर। नंबर अगर है तो अपन कोई भी सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर एन बी की पावर आई, ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन में। लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
तो ये मैं एकदम पॉइंट वाइज तुम्हें आज ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ, ताकि तुम लोग जो है इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट इज कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ आरडीएस। आरडीएस मतलब बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस। अभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्या, इस पे जिक्र करते हैं थोड़ा। नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है एक्चुअली में, इट इज द मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप, इट इज द मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स नेचर। मतलब कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, आर डी एस, दैट इज कॉल्ड द आर डी एस। आर डी एक्स मत समझना, है ना, पता चला तुम लोग आर डी एक्स समझ लो और फिर विस्फोट करते फिरो, या वेलकम मूवी में जो आर डी एक्स था उसको उठा के लेके आ जाओ चिता से। तो आर डी एस है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज द मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स नेचर। केमिकल रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स का है उसमें जो मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ बेटा ए गिव्स बी, ये मेरा नेट रिएक्शन मैं देख रहा हूँ, और मान लो कि ये दो स्टेप में होता है ना, पहला स्टेप है मान लो कि ये पहले मान लो किसी इंटरमीडिएट में फॉर्म होता है, ए से मान लो कि सी बनाता है, और दूसरा स्टेप है कि ये सी से बी में कन्वर्ट होता है, मान लो कि ऐसा है ना। तो हियर सी इज व्हाट, हियर सी इज द इंटरमीडिएट, यहाँ पे जो सी अपना इंटरमीडिएट है। अच्छा, और मान लो कि तुमको लिख दिया कि ये रिएक्शन जो है ये 10 आवर्स लगाती है, और ये रिएक्शन जो है ये 1 आवर लगाती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो इंडिविजुअल स्टेप है, पहला स्टेप जो है 10 घंटा लगाती है, दूसरा रिएक्शन जो है वो 1 घंटा लगाती है। तो ऐसे केस में तुम क्या बोलोगे, ऐसे केस में व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑब्वियसली स्लोएस्ट स्टेप, स्लो मतलब कौन सबसे कम है ना, दिस इज आवर रेट, कौन सबसे ज्यादा है टाइम ले रहा है, दिस इज आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप 10 आवर्स जो लगा रही है। इसका मतलब अपन जो रेट कैलकुलेट करेंगे, रेट कैलकुलेशन विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो रेट कैलकुलेशन अपन इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इसका स्लोएस्ट स्टेप हो गया, और ऐसा इसीलिए बोला गया बेटा कि जो टाइम कैलकुलेट होता है अगर वो स्लोएस्ट है तभी हमको उसमें फ़ायदा भी मतलब रेट निकल सकता है। कैसे, जैसे मैंने पहले भी तुमको ये एग्जांपल दिया था कि अगर बात करते हैं अपन, मान लो एक क्लास है, एक क्लास में कितने बच्चे जल्दी लिख पाते हैं या धीरे लिख पाते हैं, इस हिसाब से मान लो। तो जैसे मैं जिस स्पीड से लिखता हूँ उसी स्पीड से अगर तुम लोग लिख लेते हो, लेकिन एक बच्चा है जो कि दुगना टाइम लगाता है या तिगुना टाइम लगाता है, तो उस बच्चे की वजह से क्या होगा कि नेट जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट है वो तो उस स्लोएस्ट बच्चे ने डिफाइन कर दिया। एक क्लास में जो क्लास की रनिंग की जो रनिंग स्पीड है वो स्पीड को किसने कंट्रोल किया, उस स्पीड को कंट्रोल किया
बाकी सारे बच्चों ने नहीं या टीचर ने नहीं, बस एक बच्चे ने जो कि बहुत धीरे लिखता है और जल्दी उतार नहीं पाता है, तो उस वजह से टीचर को भी रुकना पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे बच्चे नोट वो बच्चा नोट कर लेता है। बाकी बच्चे क्वेश्चन बनाते रहते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ऐसा होता है। मैं तुम लोग की बात नहीं कर रहा, तुम लोग तो भाई एक्टिव लोग हो, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग एकदम लोथ टाइप के होते हैं, मैं उन बच्चों की जो है बात कर रहा हूँ। तुम लोग तो एक्टिव हो, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग की क्लास में तो सब तेज बच्चे हो एकदम, चतुर चालाक लोमड़ी। तो रेट कैलकुलेशन जो है फर्स्ट स्टेप से होगा, इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही बोला जाता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। RDS इज व्हाट? इट इज द स्लोएस्ट स्टेप, सबसे स्लो स्टेप से जो है अपन को चलना होता है ना, स्लोएस्ट स्टेप, मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप से की मदद से अपन रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हुआ कि RDS पे जो है आप जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी दो तीन टाइप हैं कि भाई ये दिया है तो रेट कैसे निकालोगे, ये दिया है तो रेट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग उस टाइप पे जाते हैं और उसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ताकि तुम लोग को ज़्यादा भी क्लियर होगा। तो पहले टाइप 1 पे जाते हैं, टाइप 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अब लिख रहा हूँ एलिमेंट्री का तो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है तुम लोगों को बातें, कॉम्प्लेक्स के लिए जो है अब यहाँ पे देख लो। तो फर्स्ट करके लिख रहे हैं कि पहला जो जिस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, पहला जिस टाइप का हो सकता है वो इस तरह से है कि इफ RDS इज गिवन, इफ RDS इज गिवन एंड एंड देर इज अरे एंड देर इज नो इंटरमीडिएट एंड देर इज नो इंटरमीडिएट एट रिएक्टेंट साइड। इफ RDS इज गिवन एंड देर इज नो इंटरमीडिएट एट रिएक्टेंट साइड, तो इस केस में क्या करना है? तो इस केस में क्या करना है कि जब इंटरमीडिएट गिवन है तो ये तो एकदम सिंपल केस हो गया कि आप डायरेक्ट ही जो भी आपका एक्सप्रेशन है उससे आप रेट लॉ लिख सकते हैं। इन सच केसेस ध्यान रखना, जब हम लोग रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्टेंट्स के टर्म में डिफाइन होता है। ऐसे प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैटलिस्ट भी कभी कभी आता है, प्रोडक्ट भी आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग बोलते हैं रेट लॉ का, वो किसके टर्म में हमेशा बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज से सेड विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड अगर आप लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेट लॉ। तो हम चाहेंगे कि जितना भी चीज़ है उसको रिएक्टेंट के टर्म में कहीं ना कहीं से अगर उलट पुलट करके लिख पाएं तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं लिख पाए तब तो प्रोडक्ट भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखते हैं। ये बात दिमाग में एकदम बिठा लेना कि इंटरमीडिएट के टर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ तो फिलहाल पहला जो केस है उसमें वो बोल रहा है कि देर इज नो इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है। तो इन इन सच केसेस वी कैन डायरेक्टली फॉर्म रेट लॉ इक्वेशन फ्रॉम RDS एंड दैट विल बी द आंसर एंड दैट विल बी फाइनल आंसर। नहीं, इसको एक
एग्जाम्पल से क्वेश्चन के थ्रू कराते हैं तुमको। क्वेश्चन देखो, ए प्लस टू बी गिव्स सी दिया हुआ है। पहला स्टेप बोल रहा है ए प्लस बी गिव्स डी, और ये रेट कांस्टेंट है के वन, यहाँ स्लो लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप है, ये बोल रहा है बी प्लस डी इट गिव्स सी, और यहाँ लिखा हुआ है फास्ट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने टाइम लिखा हुआ था, तो कभी कभी अगर टाइम नहीं लिखेगा तो टाइम नहीं लिख के स्लो और फास्ट इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है, और जनरली मतलब ज़्यादातर इसी तरह से देता है, टाइम लिख के कभी कभी ही मतलब आपको देखोगे। तो ए प्लस बी से डी बन रहा है, स्लो लिख रहा है, तो ऑब्वियसली आर डी एस गिवेन है, स्लो लिख दिया, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इज आवर आर डी एस। तो आर डी एस अगर फर्स्ट स्टेप है और बोल रहा है देर इज नो इंटरमीडिएट एट द रिएक्टेंट साइड, तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा आर डी एस में इंटरमीडिएट है रिएक्टेंट साइड की नहीं है। आर डी एस में रिएक्टेंट साइड क्या क्या है? आर डी एस में रिएक्टेंट साइड है ए और बी, तो ए और बी क्या इंटरमीडिएट है? बिल्कुल नहीं, ए और बी जो है वो रिएक्टेंट का ही पोर्शन है। इंटरमीडिएट इसमें कौन सा है? इंटरमीडिएट अगर तुम पहचानो तो इन दोनों पार्ट में मिला के ए नहीं है, बी नहीं है, डी डी इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट, क्योंकि डी ना रिएक्टेंट का पोर्शन है ना ही प्रोडक्ट का पोर्शन है। फिर बी प्लस डी से सी, तो सी तो अपना ये है प्रोडक्ट, बी अपना रिएक्टेंट वाला पार्ट था, अगेन यहाँ पे भी डी जो है वो अपना इंटरमीडिएट है। तो इन दीज टू स्टेप वाइज रिएक्शंस, इंडिविजुअल रिएक्शंस, डी इज आवर इंटरमीडिएट। डी हम लोग का क्या है बेटा? इंटरमीडिएट है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इंटरमीडिएट के टर्म में तो ऐसे भी एक्सप्रेशन नहीं बनता है, तो वहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि तुम्हारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें रिएक्टेंट साइड में क्या है? इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली जो है रेट लॉ लिख सकते हैं फर्स्ट के टर्म में। तो ये हो जाएगा आर इट इज इक्वल टू के, के वहां पे कौन सा के यूज करना है? के वन, तो के वन इंटू ए की पावर कितना? ए की, क्योंकि ये सब एलिमेंट्री है तो यहाँ पे आप एलिमेंट्री है तो ये यूज कर सकते हो, तो ए की पावर उसका जो कोफिशियंट है वही बन जाएगा, तो ए की पावर वन, और बी की भी पावर कितना दिखाई दे रहा? तो बी की पावर भी वन दिखाई दे रहा, और इसमें किसी भी तरह का कोई लोचा नहीं है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट है ही नहीं, और इंटरमीडिएट नहीं है तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर कि सबसे पहले तो भाई इंटरमीडिएट को पहचान लिया करो, उसके टर्म में एक्सप्रेशन नहीं बनना चाहिए और स्लोएस्ट स्टेप से निकलना चाहिए। तो स्लोएस्ट स्टेप में जो है तुम्हारे रिएक्टेंट साइड अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो वहीं पे बात खत्म। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द वेरी फर्स्ट केस, एकदम सबसे सिंपल केस हो गया ये कि इसमें सब कुछ गिवन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मेडिकल एग्जाम्स में आ सकते हैं कि डायरेक्टली बता दिया स्लो और फास्ट को लेके, एक्सप्रेशन को बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इवन इंजीनियरिंग में भी बोनस के लिए पूछ सकता है। वैसे इंजीनियरिंग में तो जनरली ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन ही कम पूछे गए हैं, बट मेडिकल में चांसेस हैं कि ऐसे देख के आपसे रेट लॉ पूछ सकता है। तो वहाँ पे इंटरमीडिएट है ही नहीं तो बस बात खत्म, आगे जाने नहीं है, आगे जाने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आते हम लोग केस टू पे। बात करते हैं केस टू की। इफ आर डी एस इज गिवन, इफ आर डी एस इज गिवन बट इंटरमीडिएट
इज प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड बट इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पे इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या करोगे? पुराने वाले केस में तो क्या है, आरडीएस गिवन था, वेल एंड गुड, वहीं से अपना रेट लॉ बनता है, और इंटरमीडिएट भी नहीं आया तो इंटरमीडिएट के टर्म में हम लोग रेट लॉ नहीं लिखते हैं, तो हमारे लिए सोने पे सुहागा था। लेकिन आरडीएस गिवन है, ये ठीक है, बट इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो इस केस में क्या करना है? तो इन सच केसेस वी विल हैव टू एलिमिनेट द इंटरमीडिएट विद द हेल्प ऑफ other equations and write rate law as close as in terms of as close as in standard form. तो ऐसे केसेस में क्या करोगे बेटा? अगर हम लोग को इंटरमीडिएट भी आ गया तो ऐसे केसेस में क्या है, हम लोग को वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट करना पड़ेगा किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ अदर इक्वेशंस एंड राइट द रेट लॉ एज क्लोज एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जितना मतलब करीब होगा उतना हमारे लिए फायदा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है कि इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जितना हम रिएक्टेंट के टर्म में किसी भी रेट लॉ को लिखें उतना हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के टर्म में लिख पाए तो वेल एंड गुड, बीच में अगर प्रोडक्ट आ जाता है और वो हट नहीं पाएगा, मान लिया कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो इक्वेशन में, इधर उधर नहीं कर पा रहे हो, उथल पुथल, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट के टर्म में भी लिखाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जितना तक आ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में उतना तक तुमको कोशिश करनी चाहिए। और एलिमिनेट करने के लिए कैसे, इक्वेशन में क्या दिया रहेगा उसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लो कि इस तरीके से तुमको जो है दे दिया है, ए प्लस बी गिव सी, ये आप अपना नेट इक्वेशन है, ए प्लस बी गिव सी, दिस इज आवर नेट इक्वेशन, और ए गिव्स डी करके दिया है कि K1 ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट हो गया, ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट हो गया, और बोल रहा है कि बी प्लस डी से सी बनता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K3 इन दोनों में से, लेकिन जो स्लोएस्ट स्टेप बेटा वो बोल रहा है, क्वेश्चन स्लोएस्ट स्टेप बोल रहा है सेकंड वाला, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूँ वो स्लोएस्ट स्टेप से लिखते हैं अपन, आरडीएस से लिखते हैं, तो आरडीएस से लिखते हैं तो मैं आरडीएस पे जाऊंगा, और आरडीएस पे जाऊंगा तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि आर इट इज इक्वल टू, आर इट इज इक्वल टू K1
कि मतलब कौन सा के लेंगे, देखो ये वाला नहीं लेंगे, जिससे लिख रहे हैं उसी का के लेना है। तो आर इट इज इक्वल टू के थ्री इंटू, और क्योंकि इंडिविजुअल जो रिएक्शंस होती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, तो उसका जो कोफिशियंट है वही अपन पावर ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। मैंने तुमको सिखाया हुआ ये बात। तो आर इट इज इक्वल टू के थ्री इंटू बी रेस टू पावर वन बोलेंगे, और डी रेस टू पावर भी क्या क्या बोलेंगे बेटा, डी रेस टू पावर भी वन बोलेंगे। आर इज इक्वल टू के थ्री बी की पावर वन, डी की पावर भी वन, ऐसा बोलेंगे। बट क्या ये एक्सप्रेशन मतलब करेक्ट है, क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू है? इज इट करेक्ट एक्सप्रेशन, इज इट ट्रू एक्सप्रेशन? बताओ, खुद सोच के बताओ। मतलब इसमें जो है अपना जितना तुम दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, उतना तुम्हारा फायदा है। इज इट करेक्ट एक्सप्रेशन? जो भी मैंने तुमको लिखवाया है आज, सिखाया है ना, उस तुम नोट्स को भी देख सकते हो। तो इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, इट इज इनकरेक्ट। वाई इट इज इनकरेक्ट? जबकि सर हम तो आरडीएस से ही निकाल रहे हैं, बी और डी से सी बन रहा है, के थ्री लिखा हुआ है, तो आपने सिखाया था। ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप अगर नेट रिएक्शन की बात करोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कोई रिएक्शन लिखोगे ना बेटा, तो रिएक्शन लिखने के दौरान आप क्या किया करो, आप सबसे पहले देखो कि उसमें इंटरमीडिएट क्या है। अगर रेट लॉग पूछा हुआ है तो इंटरमीडिएट कौन सा वाला है वो आप थोड़ा सा उसमें निकालने की कोशिश किया करो। तो ए बी और सी, ये तो मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्ट हो रहा है। डी क्या मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्ट है? नहीं। तो डी डी इज व्हाट? डी इज आवर इंटरमीडिएट फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए जो डी है ये क्या है? डी इज द इंटरमीडिएट। तो डी के टर्म में एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो अपन क्या करेंगे, डी को चेंज करेंगे। भाई आएगा तो यहीं से, लेकिन हमको इंटरमीडिएट नहीं रखना है। तो नहीं रखना है तो उसको मैंने क्या सिखाया, वी हैव टू एलिमिनेट द इंटरमीडिएट बाय द हेल्प ऑफ द इक्वेशन विच इज गिवन टू अस। तो गिवन टू अस मतलब जो भी हो, क्या यही तो है? तो इसकी मदद से कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। अब तुम ध्यान से देखो, के वन जो है वो रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, के टू रेट कॉन्स्टेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन में ना। ये के वन है, ये के टू है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें याद करवाऊं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तुम्हें याद होगा कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है के सी, ये क्या होता है? के सी इज इक्वल टू क्या होता है? के एफ बाय के बी होता है। के सी इज इक्वल टू के एफ बाय के बी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कि के सी विच इज इक्वल टू के वन बटा के टू, विच इज इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए कितना? तुम अगर याद करो, अगर के सी की हम लोग बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं फॉर अ जनरल रिएक्शन, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ, इसे बॉक्स बना के लिख देते हैं, याद तो होना चाहिए तुमको। जैसे मान लो बोलता हूँ ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, तो के सी की वैल्यू क्या बोलते हैं अपन? के सी की वैल्यू यही बोलते हैं ना, सी की पावर सी, डी की पावर डी बटा ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। दिस इज वॉट वी कॉल के सी। तो इन द सेम वे रिएक्शन है ए गिव्स डी, तो वहां पे तो क्या है, डी की पावर वन और ए की पावर वन, मतलब ये हो जाएगा डी का कंसंट्रेशन की पावर वन बटा ए का कंसंट्रेशन की पावर वन, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो अगर यहां तक छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं ये बोल रहा था एक्सप्रेशन तो वहां से आया, तो उसको अभी ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। तो डी ए के टर्म में तुम देख पा रहे हो कि यहां से लेके आ सकते हो, के वन के टू के टर्म में, के सी तो कुछ दिया नहीं है तो अपन के वन के टू ही बोलेंगे। तो यहां से डी ए के टर्म में आएगा तो क्या बन जाएगा, डी इट इज इक्वल टू के वन बटा के टू इंटू ए। दिस इज डी इन टर्म्स ऑफ ए विच इज द रिएक्टेंट, एंड के वन के टू विच इज ऑलरेडी गिवन इन द इक्वेशंस। ओके, दे आर जस्ट कॉन्स्टेंट। तो अपन डी की जगह जो है ये पुट करने वाले हैं। मान लो कि मैं इसको
फर्स्ट बोल देता हूँ या फर्स्ट सेकंड में अगर तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इसको इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ ना, कैपिटल ए, ऐसा बोल देता हूँ इक्वेशन ए, इसको इक्वेशन बी बोल देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी टू इक्वेशन नंबर ए, तो क्या मुझे मिलेगा? आर इट इज इक्वल टू के थ्री, और डी की जगह जो है ये पुट हो रहा है, तो इसका मतलब है के वन बाय के टू इंटू ए और इंटू बी की पावर वन। तो दिस इज द नेट रेट लॉ फॉर दिस क्वेश्चन। आर इट इज इक्वल टू के थ्री इंटू के वन अपॉन के टू इट इज इंटू ए इंटू बी। या आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि आर इट इज इक्वल टू सम नया कॉन्स्टेंट के डैश इंटू ए इंटू बी। तो अगर इसके मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर 1+1 2 हो जाएगा, और नेट जो रेट कांस्टेंट की बात करें तो नेट रेट कांस्टेंट जो है वो के थ्री इंटू के वन अपॉन के टू हो जाएगा ना, उसको भी मैं वहाँ पे लिख देता हूँ मिटा के। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। एकदम पूरा कंसेप्चुअली मैंने तुम लोगों को समझा दिया कि ए प्लस बी से सी बन रहा है और कैसे हम इसका यूज़ करके वैल्यू को ला सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट हमें लिखते नहीं है, तो नहीं लिखते हैं तो मैंने यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट को ए के टर्म में लिख के वैल्यू को पुट कर दिया है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है वो पहली इक्वेशन ए में हमने डाल दी, तो हमारा आंसर आ गया आर इज इक्वल टू के डैश ए इंटू बी। तो कभी कभी रेट लॉ पूछता है, कभी कभी पूछता है कि भाई ऑर्डर बता दो, कभी कभी बोलता है कि नेट नेट रेट कॉन्स्टेंट कितना हो गया, तो उस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैं उसको भी यहाँ पे मैंशन कर देता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन देंगे उसको बनाओगे तुम लोग। तो मेरे पास निकल के आया है कि आर इट इज इक्वल टू के डैश ए इंटू बी है ना। तो यहां से अगर बात करें तो, और के डैश की वैल्यू कितनी आई, के वन के थ्री बाय के टू। दिस इज व्हाट, दिस इज द नेट रेट कांस्टेंट, यू कैन से नेट रेट कांस्टेंट। और नेट ऑर्डर जो है, या नेट ऑर्डर क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू 1+1 मतलब कि 2। तो इस तरह से आपको इस केस में डील करना। देखो पहला केस बहुत सिंपल था, उसमें आरडीएस भी गिवन था, और आरडीएस के साथ साथ क्वेश्चन ने ये भी बोला था, मतलब उस रिएक्शन में ऐसा आ रहा था कि तुम्हारे पास ये इंटरमीडिएट नहीं आ रहा था रिएक्टेंट साइड, बट यहाँ पे क्या है इंटरमीडिएट आ जाता है। तो इंटरमीडिएट अगर आ जाएगा तो बस ये करना है कि उस इंटरमीडिएट को तुमको हटाने का प्रयास करना है, और हटाने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें जरूर ऐसा कुछ ना कुछ इक्वेशन रहेगा जिसमें तुम इक्विलिब्रियम, मतलब उसमें कहीं ना कहीं ऐसा रिवर्सिबल साइन वाला इक्वेशन रहेगा, वो तुमको खोजना है, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में दिया था। तो ऐसा ही और भी तुम्हें क्वेश्चन में दिखेगा, तो रिवर्सिबल वाला इक्वेशन खोजना है और उसकी मदद से इंटरमीडिएट को हटाने का प्रयास करना है। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि रिएक्टेंट के टर्म में अपन लिखते हैं तो इट इज द बेस्ट, डेट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे एकदम रिएक्टेंट के टर्म में आ गया तो भाई बढ़िया हो गया, ए और बी रिएक्टेंट के टर्म में आ गया। लेकिन कभी कभी अगर आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और वो एक्सप्रेशन अगर रिएक्टेंट के टर्म में नहीं आ गया, मान लो कि प्रोडक्ट के टर्म में भी आ गया, तो भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट इन तीनों के टर्म में जो है रेट लॉ को एक्सप्रेस किया जाता है। बट एनसीईआरटी क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बोली हुई है, खाली रिएक्टेंट के टर्म में बोली हुई है, इसलिए जो है आप जितना हद तक हो सकता है कि रिएक्टेंट के टर्म में लाने ही का कोशिश आपको करना है। तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं है ना, उसको बनाने का पूरा ट्राई करो। आई होप ये लॉजिक समझ गए होंगे कि तुमको ट्रांसफॉर्म कैसे करना होता है। ट्रांसफॉर्म इसी तरह से तुम्हें करना है कि रिवर्सिबल वाला इक्वेशन ढूंढना है और वहां से फिर जो है वैल्यू को चेंज करते हुए, वैल्यू पुट करते हुए तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ।
अब देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लेके, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो नेट रिएक्शन अपन को गिवन है कि 2O3 गिव्स 3O2, बैलेंस है ना, एक बार देख लेना, बिल्कुल बैलेंस है, 2O3 गिव्स 3O2। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है O3, प्रोडक्ट है O2। आप मैक्सिमम जितना O3 के टर्म में लिख सकते हैं वो दैट इज द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट होगा। लेकिन O2 भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये बात दिमाग में रहे। तो फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, ऑब्वियसली आपका जो RDS है, RDS इज द स्लोएस्ट स्टेप, तो RDS अगर स्लोएस्ट स्टेप है तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले जो आप लिखोगे RDS के टर्म में लिखोगे, तो RDS के टर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा R इट इज इक्वल टू K, तो K कौन सा वाला, K3 वाला, R इट इज इक्वल टू K3 इंटू O3 की पावर 1 और O की पावर भी 1, है ना। R इट इज इक्वल टू K3 इंटू O3 की पावर 1, O की पावर भी 1, इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो है K3 इंटू O3 की पावर 1, O की पावर 1, इसमें थोड़ा ध्यान दो कि जैसा मैं बोलता हूँ कि हमेशा पहले इंटरमीडिएट को थोड़ा सा जज कर लिया करो। तो इन सभी में से इंटरमीडिएट कौन सा है बेटा, इन सभी में से अगर तुम देखोगे तो O3 और O2 तो मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन की अगर बात करोगे, ये O3 है, इट इज रिएक्टेंट, O2 इट इज प्रोडक्ट, O कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो बिल्कुल O मेरा क्या है, O मेरा इंटरमीडिएट है। O3 मेरा रिएक्टेंट है, O इंटरमीडिएट है, O2 प्रोडक्ट है, तो O इज द इंटरमीडिएट। और अपन को O को यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे रेट लॉ एक्सप्रेशन में बेटा O आ गया। अगर तुम ऐसे ही लिखते खाली छोड़ दोगे ना तो गलत हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको O को जो है यहाँ पे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और जैसा मैंने सिखाया कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुमको रिवर्सिबल इक्वेशन टाइप का कुछ ना कुछ गिवन रहेगा, उसकी उसके मदद से O को कुछ ऐसा चेंज करो कि जो है रिएक्टेंट के टर्म में मैक्सिमाइज करो कि लाने का, अदरवाइज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में तुम ला सकते हो, अगर ट्रांसफॉर्म पूरा रिएक्टेंट के टर्म में नहीं हो रहा है तो। पूरा हो जाता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं रेट लॉ के हिसाब से, NCERT के हिसाब से। तो अगर O की बात करोगे तो O जो है अपन स्लोएस्ट स्टेप से तो रेट लॉ लिख दिए, लेकिन O की बात जो है ये फर्स्ट स्टेप से अपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से करें तो अगेन KC जो है वो क्या हो जाएगा, KC विल बी इक्वल टू K1 बाय K2 और इट विल बी इक्वल टू O2 की पावर 1 इंटू O की पावर भी 1 बटा O3 की पावर भी 1, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से तुम O को जो है वो निकाल सकते हो बेटा, तो O की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, K1 बाय K2 इंटू O2 बाय O3। अब ध्यान दो यहां पे O2 के टर्म में भी एक्सप्रेशन जो है वो बन रहा है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। मैंने तुमको अभी बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट के टर्म में खाली हम लोग बोलते हैं, लेकिन रेट लॉ में रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अगर आ जाए तो ऐसा लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो O की वैल्यू जो है K1 बाय K2 O2 इंटू O3, ऐसा हो गया। तो इसको अपन जो है फिर पुट कर लेते हैं इसमें, और इसमें पुट करोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R इट इज इक्वल टू K3 इंटू K1 अपॉन K2 और K1 अपॉन K2 इंटू O3 है वहां पे, और यहां पे क्या आ गया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं, बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है O3 O2, K3 इंटू O3 इंटू O,
ओ की वैल्यू जो है वो निकल के आई है K1 बाय K2, K1 बाय K2 और इनटू O2 बाय O3। तो अगेन ये तो तुम्हारा काम और आसान हो गया कि क्वेश्चन जो है वो O3 तो कट ही रहा है, तो K3 K1 बाय K2 इनटू O2 के टर्म में तुम्हारा एक्सप्रेशन जो है वो आ गया है। एक बार जो है इसको चेकआउट कर लो। आई थिंक यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में। ओ की जो वैल्यू है बेटा, है ना, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ओ टू ओ थ्री वाले चीज में, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ओ की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2 तो है, K1 अपॉन K2 इनटू, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर O3 आ रहा है और नीचे आ रहा है O2, है ना, तो वो कैंसिल नहीं होगा, वो बच जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ये क्वेश्चन लिए भी थे। तो R बराबर हो जाएगा, अब करते हैं K3 इंटू O3 इंटू ओ मतलब हो गया K1 बाय K2। ये क्लियर है ना, ओ की वैल्यू O3 बाय O2, ठीक है, K1 बाय K2 इंटू O3 बाय O2 का power 1, इस तरह से हो जाएगा। दिस इंप्लाइज आर इट इज इक्वल टू K1 K3 बाय K2 इंटू O3 का होल स्क्वायर, O3 का होल स्क्वायर और O2 की पावर -1। तो तुम देख सकते हो कि इससे ज्यादा और तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंट जिस जहां तक तुम जो है चीजों को घसीट सकते हो। तो उसमें प्रोडक्ट भी आ गया और कोई बुराई नहीं है, ठीक ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म रिएक्टर के टर्म में होता है, रेट लॉ में जो है कुछ मेंशन नहीं है। तो और अगर उसको रिएक्टर के टर्म में करवाना होता ना, तो कुछ ना कुछ और तुमको डेटा देता जिससे तुम फुल जो है रिएक्टर के टर्म में आ सकते थे, लेकिन ऐसा उसने कुछ दिया नहीं, तो नहीं दिया तो फिर चिल है। तो अपना जो आंसर हो गया उसको लिख देते हैं, बीच में O3 O2 में ऊपर नीचे हो गया, दोनों एक ही टाइप के लगते हैं, नहीं ये K1 बाय K2 है। तो मेरा जो नेट आर है वो मैं लिख सकता हूं कि आर इट इज इक्वल टू सम K' इंटू O3 की पावर 2, O2 की पावर -1। देख सकते हो O2 के टर्म में नेगेटिव ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो नेट ऑर्डर कितना हो गया, नेट ऑर्डर हो गया रिएक्शन का 2 - 1 मतलब कि 1, और नेट रेट कांस्टेंट क्या हो गया, नेट रेट कांस्टेंट हो गया K1 K3 बाय K2। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और केस है, थर्ड केस, लास्ट केस है, वो बच गया है, उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।
क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल वगैरह आपको उसमें करना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। दो केसेस हो चुके हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के। तीसरा जो केस है उसमें यह है कि मान लो कि उसमें आरडीएससी गिवन नहीं होता है, उसमें जो है आरडीएससी गिवन नहीं होता, तब क्या करोगे? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो नेक्स्ट क्लास तक मैं तुम लोगों को ये एक टास्क देता हूँ कि इसको तुम लोग सोचो, देखो, कहीं से पढ़ो, छानबीन करो कि अगर मेरे को आरडीएस ही नहीं दिया, जैसे इन दोनों केसेस में तो आरडीएस थे अपने पास, तो आरडीएस थे तब क्वेश्चन को सीधे हम वहाँ से लेके चले गए, लेकिन अगर आरडीएस ही गिवन ना हो तो रेट लो कैसे निकलता है, उसको तुम एज अ टास्क भी उसको लो एज अ होमवर्क, और अगली क्लास में तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये दो केसेस और आज की जो क्लास है इसको पूरा रिवाइज करो। अब ऑर्डर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और ट्रांसफॉर्मेशन वाले, एनसीईआरटी वाले तुम सारे बना सकते हो, सब बना लेना। पैकेज वाले भी जो है मोस्टली बना सकते हो, सब बना लेना। अब ज़्यादा सिलेबस में बचा नहीं है, आई थिंक 2-3 क्लास और लगेगी जिसमें तुम्हारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। हार्डली तीन क्लास इज सफिशियंट टू कम्प्लीट केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहो।